इधर आप जिया की हालत देख सकते हैं जी, कितनी हालत खराब है। यहाँ पर हमने सारा सामान तैयार कर लिया है। जिया की मम्मी पापा भी आ रहे हैं गांव से, और नैन्सी दीदी की मम्मी भी आ रही है। बस अब हॉस्पिटल जाने की देरी है, अब जल्दी से हम लोग निकल नहीं वाले। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो अभी आप हमको देख रहे होंगे एकदम सज धज करके ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं। जी हाँ, अभी हम जा रहे हैं एक पार्टी में। जी हाँ, पीछे से हंस रही है, क्या हो गया? कहाँ हंसी आ रहा? आप जी नमस्कार जी की। हाँ, फिर हंसी आ गई। इसको पीछे से हंसी आ गई। अभी इस ब्लॉग में नहीं बता सकते, नहीं तो उनकी बेइज्जती हो जाएगी। अच्छा, ब्लॉग शूट करने से पहले जो हो रहा था। कोई बात नहीं, अगर होगा तो ब्लॉग के लास्ट में उस पार्ट को डाल देंगे। ऐसा करते हैं जी, हम चलते हैं पार्टी। वहाँ जा करके उतना तो नहीं खाना है, क्योंकि पेट का कंडीशन थोड़ा ज्यादा ठीक है नहीं। इनका हमेशा कंडीशन खराब ही रहता है इनके पेट का, लेकिन खाते फिर वही है जो इनको खाना होता है। ठीक है जी, तो चलते हैं। Okay, जी पार्टी से, और कल रात जो है हमने कोई भी ब्लॉग नहीं शूट किया, क्योंकि वहाँ पर इतने बचपन के दोस्त मिल गए, सभी से बातचीत होने लग गई, और बातचीत होती होती हमें ध्यान भी नहीं रहा कि कुछ ब्लॉग भी शूट कर लें। तो बातचीत करने में जी बहुत मज़ा आया, बहुत पुराने पुराने दोस्त मिले, जिनसे लगता है कई दोस्त ऐसे थे जिन मिले। तो ऐसा ही रहता है जी, किसी पार्टी में जाए पुराने दोस्त मिल जाते। जी पानी भर लेते हैं, सुबह सुबह पानी भरने का ड्यूटी हमारा ही रहता है। इतना बोतल देख रहे हैं, कुछ बोतल अंदर भी हमारे रूम में, सारे बोतल में हम ही भरते हैं पानी। जी अपना यहाँ पर बेड ठीक कर रही है जी। अरे जी, तुम्हारा स्किन के बारे में नोटिस किया हम, तुम्हारा स्किन लेकिन उतना भी खराब नहीं हुआ, उतना इफेक्ट नहीं किया जितना प्रेगनेंसी के टाइम देखिए बाकी सबका। और भी बहुत लोग पूछ रहे थे कि कमेंट भी आ रहा था, ऐसा देखते रहते हैं कि आप कैसे अपना मेंटेन किए इस प्रेगनेंसी में, तो बताते हैं आप लोगों को कैसे हम मेंटेन किए। ठीक है, दौरान जानते हैं जी, ज्यादा भागा दौड़ी करना संभव नहीं होता है। एक तो प्रेगनेंसी की हालत, ऊपर से अभी का जो मौसम है जी, इतनी तेज गर्मी, इस गर्मी में कोई बाहर जाए इसकी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो इसे कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाएगा। ऊपर से जानते हैं जी, प्रेगनेंसी के दौरान जो है कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन आता रहता है, आपके तो पूरे शरीर में आता है ही, साथ में स्किन में भी आपके कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन आता रहता है। तो ऐसे समय में जी साथ दिया हमारा क्योर स्किन ने, बहुत ज्यादा साथ दिया है, बहुत ज्यादा हेल्प मिली है क्योर स्किन से। क्योर स्किन की वजह से मुझे बहुत हेल्प हुई, नहीं तो मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता, लाइन लगना पड़ता इस धूप में, तो इन सब चीजों से हम बच गए। और क्योर स्किन में बस कुछ नहीं करना है, आपको ऐप को डाउनलोड करना है, वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल रहते हैं, फेस को स्कैन करेंगे। और जी ऐप को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना तगड़ा है जी, आप जो फोटो भेजते हैं वो आपका फोटो मंगवाते हैं, पहले एक बार फ्रंट से फिर साइड से, वहाँ फोटो से वहाँ डिटेक्ट कर लेते हैं कि आपके स्किन में क्या क्या प्रॉब्लम होता है, उसके बाद वो लोग डर्मेटोलॉजिस्ट आपको असाइन करते हैं, फिर उसके बाद जो आगे का जो भी प्रोसेस शुरू होता है। तो जिया जो है अभी प्रेगनेंसी के दौरान अभी ट्रीटमेंट ले रही है, प्रेगनेंसी से पहले भी वो ले रही थी और बहुत फायदा मिला था। जिया को पिंपल्स था, उसके पिंपल्स के प्रॉब्लम को लेकर के बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट मिला। और इस लास्ट वीक में, प्रेगनेंसी के लास्ट वीक में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है, फिजिकली तो इतनी प्रॉब्लम होती ही है, और ऊपर ऊपर से आपके फेस में प्रॉब्लम हो जाएगा, हेयर में प्रॉब्लम हो जाएगा। इस टाइम में मुझे क्योर स्किन से बहुत ज्यादा हेल्प हुई, घर बैठे इतने अच्छे अच्छे सॉल्यूशन मिल गए। सबसे अच्छी बात क्या लगती है मुझे क्योर स्किन की, वो आपके स्किन का एनालिसिस करके जो भी किट रिकमेंड करना होता है, जो भी ट्रीटमेंट होता है, वो सब तो सब कुछ करते हैं ही, साथ में जो भी किट होता है वो देते हैं, इसके साथ साथ लाइफ स्टाइल को लेकर भी गाइडेंस देते रहते हैं, जैसे कि आपको कितना पानी पीना चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या प्रोटीन लेना चाहिए, क्या एक्सरसाइज करना चाहिए। बार बार फॉलोअप लेंगे, आपका स्किन में क्या इफेक्ट हुआ, नहीं हुआ, क्या फायदा हुआ, बार बार आपसे फॉलोअप लेंगे। जी तो अपना ट्रीटमेंट करवा रही है जी, इससे पहले हम अपना ट्रीटमेंट करवा रहे, जो भी हमारे ब्लॉग को पहले से देखते आ रहे होंगे उनको पता होगा जी मुझे समस्या थी ओपन पोर्स की, और ओपन पोर्स की समस्या को क्योर स्किन ने बहुत हद तक ठीक कर दिया है। मैं तो इतना ज्यादा सूट किया इनका प्रोडक्ट, मुझे लगता है कि अब जो इनका दोबारा मंगवाना पड़ेगा, क्योंकि जो पहले का जो है वो अब खत्म होने पर है। अगर आप लोग भी अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन घर बैठे चाहते हैं तो लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से जाइए क्योर स्किन को डाउनलोड कीजिए। और यहाँ पे सिर्फ फेस से रिलेटेड नहीं, हेयर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो उसका भी सॉल्यूशन है उनके पास। अगर आप हमारे लिंक से इस ऐप को डाउनलोड करिएगा और हमारे कूपन को डाल दीजिएगा GSR100 जो कि यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, तो आपको फर्स्ट ऑर्डर पर 100 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। हमने आखिरी बार क्योर स्किन को लेकर के वीडियो डाला था, तो आप में से कुछ लोगों के सवाल आए थे, तो हमने सोचा कि चलिए उन सवालों के जो है जवाब दे देते हैं। सबसे पहला जो सवाल था कि क्या वहाँ पर फॉलोअप ट्रीटमेंट की आपको चार्जेस देने पड़ेंगे? नहीं जी, यहाँ पर फॉलोअप ट्रीटमेंट का कोई भी चार्जेस नहीं देना होगा, उनका जो किट होता है बस उनके चार्जेस देने होते हैं और कोई चार्जेस नहीं लगते। दूसरा सवाल था जी इसको लेकर के कि क्या यहाँ पर डॉक्टर रीजनल लैंग्वेज में अवेलेबल रहेंगे या सिर्फ उनका लैंग्वेज हिंदी रहेगा या इंग्लिश रहेगा? नहीं जी, यहाँ पर रीजनल लैंग्वेज में भी अवेलेबल है, चाहे हिंदी हो, मराठी हो, कन्नड़ हो, हर लैंग्वेज में आपको मिल जाएंगे, तो लैंग्वेज को लेकर के आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चलते हैं जी जल्दी से जाकर के स्नान कर लेते हैं, स्नान करने के बाद हो जाएंगे फ्रेश, तो चुटकी बजाते ही अब स्नान हो जाएगा।
तो हमने कर लिया आज ये स्नान और हो गए फ्रेश। अब लगते हैं अपने का भी स्नान हो चुका है, अब जिया जो है पूजा की सकते हैं अपने लड्डू गोपाल की। उधर बन रहा है कि सब्जी जिया अपना बनाना से पी चुकी है। अब जो है हम पी गए अपना मैंगो से, इसमें आम डाला हुआ है, इसको घुमाते हैं। आगे जी छत पर टहलने के लिए, और आज जो है थोड़ा पहले आए हुए हैं, सुबह 5 बजे आ गए। और आज ऐसा हाल था कि मेरा नींद जो है लगभग लगता है 2:30 बजे रात से ही खुल गया था। और वो कारण क्या है, कुछ सुबह उठकर मुझे एक्साइटिंग करना था। अभी तो वॉक कर रहे हैं, वॉक करने के बाद हम जाने वाले हैं नीचे, अपना एक कोर्स है वो लिया हुआ है कम्प्लीट करने के लिए। कुछ ना कुछ नया नया सीखते रहते हैं, तो इतना मजा आ रहा है उस कोर्स को देखने में। और मैंने सोच रखा है कि जल्दी से कम्प्लीट कर लेना। कई बार होता क्या था कि हम जो कोर्स लिया करते थे तो ऐसा कोर्स लेते थे कि उसका लाइफ टाइम एक्सेस रहे। लाइफ टाइम एक्सेस वाला कोर्स जो है लाइफ टाइम तक उसमें पड़ा रह जाता था, कंप्लीट नहीं होता था। लेकिन अब जो भी कोर्स लेते हैं उसका देखते हैं कि लिमिटेड टाइम हो, तो जब उसका लिमिटेड टाइम रहता है तब अंदर में आता है कि जल्दी से इसको खत्म कर लो वरना एक्सेस हाथ से चला जाएगा, फिर सीख भी नहीं पाएंगे। वो असर हो रहा है हमारे साथ। अपने सारे कपड़े फैला रही है। वॉक तो हो गया जी खत्म, और अभी देख रहे हैं इस फूल को, देख कितना अच्छे से खिला हुआ है। ये उजला रंग का अपराजिता, कितना खूबसूरत सा लग रहा है ये फूल। वहाँ पर नीला रंग का अपराजिता, यह है उजला रंग का, और एक पिंक कलर का भी है। उसमें है अरहुल का पेड़, और यह है पिंक कलर का अरहुल। पेड़ जो खराब हो चुका था, समझ जाइए कि एक खराब पेड़ को हमने ठीक किया है। अब वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। वो सब भी खराब हो गया था ना, तो वो सब भी ठीक हो गया। देख वो सब ना, जी हमारा ट्राइपॉड रखा हुआ, हमने कुछ रील शूट किया, अचानक से हमें आइडिया आया एक अच्छा कंसेप्ट है, उस पर वीडियो बनाना चाहिए। वो आपको हमारे इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेगा। तो इंस्टा आईडी हमारा नीचे आपको दिख रहा होगा, वहाँ पर जाइए और आप फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर कर रही है जी तितली आसन, करो बटरफ्लाई आसन। और ये इंजार पति देव यहाँ से निकले और हम एक्सरसाइज को बंद कर दे। तो फाइनली जी हमारा क्लास हो गया कंप्लीट, अब इसके बाद चल रहे हैं बाहर। आज जो है संडे, तो वीकेंड है, तो वहाँ जाकर के क्रिकेट खेलेंगे। बहुत दिनों बाद प्लान बना है क्रिकेट खेलने का। हमेशा प्लान बनता था फिर बिगड़ जाता था, लेकिन आज फाइनली प्लान बन गया कि क्रिकेट खेलेंगे हम लोग। और आज मौसम भी अच्छा है और ना धूप रहता है अच्छा खासा, तो सोचा किस मौसम का फायदा उठाया जाए, तो सीधा चलते हैं वहाँ। अच्छा इंग्लिश आ गया, तो हमारा टॉस भी यही होता है, हमारा कॉइन यही है राजनिवास। अरे अरे गाइस चीता, एक चीज एक और बहुत अच्छा, और मिस फील्ड अभी लगे हुए हैं जी फील्डिंग में। हमने बनाया 6 ओवर में 44 और इनको चाहिए लीड के लिए बाकी 6 ओवर में 45 रन। तो हम लोग का फॉर्मेट क्या है कि 6 ओवर का 4 इनिंग होगा, जैसे टेस्ट का होता है। तो कौन कैसे लीड लेता है क्या लेता है इस पर गेम है, बाकी देखते हैं वो लोग कितना बनाते हैं। यहाँ पर बच्चा पार्टी सबके साथ हो रहा है खेल। ओए हो रहा है, कैच ले कैच ले लो बाबू। अरे देखो ना भाई साहब को बॉल ही नहीं दिख रहा था, बॉल कहाँ है, उस झाड़ी में था बॉल। तो जी दूसरा इनिंग हो गया है ओवर, और 6 रन का हमें लीड मिला है, और देखते हैं इस इनिंग में क्या होता है। तो अभी हम पूजा करके तैयार हो चुके हैं, स्नान कर लिए हम, तो हमारा पूजा भी हो गया अब। और अब हम चलेंगे, आज माँ का रविवार है तो आज खीर बनाना है, माँ खीर चढ़ाएंगी आज प्रसाद में, तो खीर बनाना है, तो चलते हैं खीर बनाते हैं। और पतिदेव गए हैं अपने दोस्तों से मिलने, आज संडे है तो आज सबका छुट्टी रहता है, तो वो भी चले गए सबसे मिलने के लिए, तो चलते हैं खीर बनाते हैं। तो पहली मैच हो गया जी खत्म, और हम जीत गए 12 रन से मैच। फिर से यहाँ टॉस के लिए ढूंढा जा रहा है कॉइन, तो मिल गया राजनिवास। हिंदी या इंग्लिश? ये टॉस का इंग्लिश। अच्छा क्या है? इंग्लिश। इंग्लिश राजनिवास। तो हम यहाँ दूध उबलने के लिए चढ़ाते हैं, दूध उबलेगा फिर हम बनाएंगे खीर। पहला इनिंग हो चुका है जी, अभी हो रहा है दूसरा इनिंग। ओहो बॉल बीट। जब तक दूध उबलता है तब तक मैं इधर थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, क्योंकि मैं थक गई हूँ। कल क्या हो रहा है ना कि मेरा सांस बहुत ज़्यादा फूल रहा है, मैं थोड़ी देर भी खड़ी रहती हूँ या फिर कुछ काम करती हूँ तो सांस फूलने लगता है, तो थोड़ा थोड़ा रह रहे कि मैं काम करती हूँ। तो अभी एकदम धीमी आँच पे दूध को चढ़ा दिए, क्योंकि माँ थोड़ा लेट से ही पूजा करेगी, तो ज़रूरी नहीं है कि तुरंत बन जाए, तो धीरे धीरे मैं बनाऊँगी और थोड़ा रेस्ट कर करके। सुबह टारगेट है 8 ओवर में 27, और अभी रन हुआ है 3 ओवर 2 बॉल में 11। तो उम्मीद थी कि बहुत जल्दी बन जाएगा, लेकिन बन नहीं रहा है उतनी आसानी से रन। और यहाँ मैं कीपिंग कर रहा हूँ साथ साथ ब्लॉगिंग भी। ओ भाई साहब, इसका बॉल पकड़ने में हमारा हाथ टूट जाएगा। भाई साहब कीपर पर भी दया करो। धूप हो चुका है जी बहुत तेज यहाँ पर, और आँख भी चौनी का खेल चल रहा है धूप का। तो 2 ओवर बाकी है जी, और 2 गेंद भी है साथ में, तो 2 ओवर में 6 रन चाहिए। और यहाँ पर इसके साथ अच्छा बच गया, 1 रन चाहिए जीत के लिए, देखते हैं। 10 बॉल में 1 रन, काफी रोमांचक मैच।
तो यहाँ पे हमारा दूध उबल चुका है, अब चावल धो के हम रखते हैं, इसमें डालेंगे। क्रिकेट तो हो गया जी खेला हुआ, अब आ गए हैं अपने अड्डे पर। यह है मैगी पॉइंट, यहीं पर हम लोग अक्सर आया करते हैं, कुछ समय बिता लेते हैं। देख सकते हैं आसपास का माहौल कितना हरा भरा माहौल है, थोड़ा सा शांत है। यहाँ पे हमारा खीर ऑलमोस्ट बन ही चुका है, बस थोड़ा सा बचा हुआ है, इसमें ड्राई फ्रूट्स और चीनी जो भी डालना है डाल के बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारा खीर बन गया, इसको बंद कर दी, अब जाते हैं इसको पूजा रूम में रख देंगे और उसके बाद माँ आएगी तब पूजा करेंगे। तो फाइनली जी आ गए वहाँ से सारे दोस्तों के साथ बैठ के गप्पे मारे और साथ में लेते आए हैं जिया का नारियल पानी, 4 दिन का एक ही बार में लेते हैं, धूप में निकलने में बनता है नहीं, इसलिए आज ही एक बार में लेते हैं। तो आज माँ का है जी रविवार, रविवार ने रविवार का उद्यापन है। अच्छा, इसलिए खीर का नैवेद्य चढ़ेगा भगवान को, वही खीर प्रसाद ग्रहण हम करेंगे। अच्छा, बच्चों के लिए पूरी सब्जी बना देते हैं ताकि खीर के साथ खाएगा। चलो बढ़िया, यहाँ पर हमारा लगा हुआ है जी नाश्ता, तो हम फल खाते हैं, खाना बनने में अभी समय है तो यही खाते हैं अभी सबसे पहले। वैसे एक बात और है कि जहाँ हम गए थे बैठने के लिए वहाँ था मैगी पॉइंट, तो वहाँ पर मैगी कोल्ड ड्रिंक सम्मान करके आए हैं, यहाँ भी थोड़ा सा खा लेते। हमारा हो गया स्नान, इंतजार कर रहे हैं माँ की पूजा खत्म होने का, माँ उधर कर रही है पूजा, जैसे ही माँ की पूजा खत्म होगी फिर वहाँ जा करके प्रणाम करेंगे और पूजा करेंगे, तो उसके बाद जो है आज का खाना पीना बनेगा, तो खाना पीना खाएंगे और खाना पीना खा करके थोड़ी सी नींद लेंगे, दिन में हमको आधा घंटा से 1 घंटा जरूर नींद चाहिए, उसके बाद बहुत मूड रहता है फ्रेश और फिर काम करने में भी मज़ा आता है। जिया जा रही है जी अभी इस खीर को गाढ़ा करने के लिए, जो है जिया बहुत पतला खीर कर दी, थोड़ा सा और गाढ़ा कर दो। टिकल लोहिया सब देख सकते हैं जी बना हुआ है पहले से, बस अच्छा अब तलेगी, बस इसी चीज का इंतजार था कि माँ का पूजा खत्म होगा उसके बाद लोही को यहाँ डालना शुरू हो जाएगा। और उनकी दया होगी तो दूसरा बार दूसरे बेटा को भी देंगे। अच्छा। और जब तक उनके दया बनी रहेगी हम ये व्रत को धारण करते रहेंगे और ईश्वर से मैं प्रार्थना करते जो दिए हैं आप उसको अमानत रखिए और संसार के लिए मैं दुआ करती हूँ हर माँ को ये नसीब हो उसका बेटा उसका पति उसका भाग्य, ईश्वर से यही मांगे हैं, मेरा दोनों बेटा मेरा आँख है मेरा पति मेरा भाग्य है और भगवान इसको दुनिया में अमानत रखिए संसार के सब सज्जन स्त्री के लिए, मैं आंचल उठा के प्रार्थना करती हूँ सबको यह दिन भगवान अमानत रखे। अच्छा, इस उद्यापन के बारे में बताना चाहिए कि क्यों किया जाता है? यह वंश व्रत है। अच्छा, इस औरत के देह से संतान की प्राप्ति हो गई तो वो औरत रविवार को नमक नहीं खाएगी, यह मैं कथा हो या शास्त्र की बात हो पुराण में जरूर होगा लेकिन मैं अपनी दादी और माँ अपनी सास सबको देखते आई। अच्छा। जैसा मैं परम्परा में देखता है मैं भी उसको निभा रही हूँ। अब जो है समय जिया का भी आ सकता है भगवान चाहेंगे, भगवान उसको औलाद देंगे, जिया ऋतु को देख रही है तो मैं अपनी माँ और सास को देखती हूँ, मेरी बहू भी अपने सास को देख रही है, लगता है कि इतना एडवांस तो नहीं है कि सास की परंपरा नहीं निभाएगी। इधर आप जिया की हालत देख सकते हैं जी कितनी हालत खराब है, यहाँ पर हमने सारा सामान तैयार कर लिया है, जिया की मम्मी पापा भी आ रहे हैं गांव से और नैन्सी दीदी की मम्मी भी आ रही है, बस अब हॉस्पिटल जाने की देरी है, अब जल्दी से हम लोग निकल नहीं वाले। अभी जो मैं बोलने जा रहा हूँ जी बिल्कुल ध्यान से सुनेगा, जी हाँ बिल्कुल ध्यान से सुनेगा, अभी जो आपने कुछ देर पहले देखा काश वो सब सच हो जाता। बहुत दिनों से हम वेट कर रहे हैं जी लेकिन अभी तक वहाँ समय आया ही नहीं है, पिछले 20-25 दिनों से इस दिनों का हम वेट कर रहे हैं। जब भी जिया की बात रिलेटिव से होती है, चाहे उसकी बात जिया की अपनी मम्मी से हो जाए, चाहे जिया की बात अपनी बुआ से हो जाए, हमारी बड़ी मौसी से हो जाए, छोटी मौसी से हो जाए, तभी कहते हैं कि तुम्हारा चेहरा देख करके लग रहा है कि अब जो है समय आ गया है तो सब कुछ तैयारी करके रख लो, वो तैयारी पिछले 25 दिनों से करके रखे हुए हैं लेकिन अभी तक समय नहीं आया, तो देखते हैं वो समय कब आता है जी। आप में से बहुत लोगों का कमेंट देख रहे हैं, आप लोग भी वेट कर रहे हैं, हम लोग भी वेट कर रहे हैं, देखते हैं वह समय कब आता है। आपकी बात तो सही है, तकलीफ तो बहुत ज्यादा हो रहा है
लेकिन ये बात सच है नहीं है, ये नहीं बता सकते कि एक दो दिन में, क्योंकि तकलीफ होती है फिर तकलीफ ठीक हो जाती है। और जी बस आप लोग अब जो है प्रे करिए कि सब कुछ जो है जल्दी से हो जाए। और आप लोग के इंस्टाग्राम पर कमेंट आते हैं ना, इतने प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं, पूछिए मत। जिया जो है उसको पढ़ करके जो है एकदम मुस्कुराती रहती है।